Hey guys, welcome back again on channel. अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले साल 2017 में फिजी स्पिन नाम का एक टॉय मार्केट में आया था, जिसे लोग स्ट्रेस रिलीज के तौर पर खरीद रहे थे। और साल 2017 में पूरे साल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका क्रेज छाया रहा। और अगर आपने गौर किया हो तो मेट्रो, बस और पार्क में 2017 में कई लोगों के पास आपने इसे देखा होगा। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो टॉय 2017 में पूरे साल ट्रेंडिंग में रहा, उसका इन्वेंट आखिर किसने किया। तो आइए जानते हैं फिजिक स्पिन के आविष्कार के बारे में और कुछ उसके मजेदार फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टेट। में इस चैनल पे इस तरह के इन्वेंशन के ऊपर बेस्ड वीडियो लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले आपको ये बता दूं कि फिजिक स्पिन का स्ट्रक्चर आखिर किस तरह का होता है, वो किस तरह बना रहता है। फिजिक स्पिन एक टाइप का खिलौना है। ये प्लास्टिक का बना होता है जिसमें मेटल भी लगा रहता है और बीच में बेरिंग लगी होती है। उस बेरिंग वाले हिस्से पर एक अंगूठा और बीच वाली उंगली लगाकर आप इसे घुमा सकते हो। इसे घुमाने से आपको स्ट्रेस फ्री महसूस होगा, लेकिन ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक साबित नहीं हुई। वैसे ना 2017 के लिए सबसे पसंदीदा खिलौना फिजी स्पिन हो सकता है, लेकिन फिजी स्पिन रियलिटी में 20 साल पहले 1997 में ऑरलैंड लोकेटेड एक रासायनिक इंजीनियर कैथरीन हेटिंगर द्वारा पेटेंट कराया गया था सबसे पहली बार। लेकिन साल 2005 में फिजी स्पिन का पेटेंट एक्सपायर हो गया और हेटिंगर ने प्रोडक्ट बेचने के राइट्स को खो दिया, जिसका अर्थ ये है कि कोई भी ब्रांड इंडिपेंडेंटली फिजी स्पिनर में कोई भी बदलाव कर सकते हैं और उसे फ्रीली बेच सकते हैं। पेटेंट एक्सपायर होने की वजह से पेटेंट रिन्यू कराने के लिए $400 की पेटेंट फी देनी थी, जिसे उस समय कैथरीन हेटिंगर एफोर्डेबल शायद उनके लिए नहीं रही होगी, इसी कारण उन्होंने रिन्यू इसे नहीं गया। लेकिन हालांकि अगर उन्होंने ये पेटेंट फी दे दी होती और इसे रिन्यू करा लिया होता तो हेटिंगर की वर्थ आज मिलियंस में होती। हालांकि कैथरीन हेटिंगर अपने आविष्कार को जानती थी कि ये फिजिक स्पिनर बढ़िया खिलौना साबित होगा जो कैसे भी चंचल दिमाग को शांत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा उनका मानना था। आपको पता है जो ये कैथरीन हेटिंगर है, जिन्होंने ये फिजिक स्पिनर का इन्वेंट किया है, उसको मायस्थीनिया ग्रेविस नाम की मसल वीकनेस की बीमारी थी। और इस बीमारी की वजह से कैथरीन हेटिंगर अपनी बेटी के साथ खिलौनों से नहीं खेल पा रही थी। इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई खिलौना इन्वेंट किया जाए या बनाया जाए जिससे वो अपनी बेटी के साथ आसानी से खेल पाए। इसीलिए मुझे ये लाइन काफी पसंद है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए और उसे खिलाने के लिए उन्होंने एक टॉय बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसने बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी वो फिर भी ये खिलौना नहीं बना पा रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बेटी के खातिर उन्होंने फिर से खिलौना बनाने की तैयारी की, जिसके बाद कैथरीन ने 1993 में स्पिनिंग टॉय नाम से फिजी स्पिनर को अपने नाम पेटेंट करवाया। अब इस फिजी स्पिन को बेचने वाली कंपनियां ये कहकर बेच रही है कि ये स्ट्रेस रिलीविंग खिलौना है, लेकिन आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि जो ये साबित कर दे कि ये फिजी स्पिनर से आपका स्ट्रेस कम होता है। फिजी स्पिन के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फिजी स्पिन का पहला फैक्ट, आपको पता है अप्रैल 2017 में फिजी स्पिनर अमेजोन की टॉप 20 बेस्ट सेलर लिस्ट फॉर टॉयज की लिस्ट में बहुत ही टॉप पे आया था। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि फिजी स्पिनर उस साल कितना क्रेज रहा होगा इसका, और क्योंकि अमेजोन पे कितने सारे टॉयज बिक रहे और उसमें से इसका टॉप 20 में नाम आया था। फिजी स्पिन का दूसरा फैक्ट, 2017 में फिजी स्पिनर इतना पॉपुलर हुआ कि चीन की कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जो पहले मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती थी, वो स्पेशली केवल फिजी स्पिनर ही बनाना शुरू कर दिया। फिजी स्पिन का तीसरा फैक्ट, यूके और दुनिया भर के कई देशों के स्कूलों में बच्चों की उनकी क्लासरूम में फिजी स्पिनर का यूज करने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि स्कूल का और मैनेजमेंट का यह मानना था कि स्टूडेंट पर यह फिजी स्पिनर अब बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है स्टूडेंट के लिए। फिजी स्पिनर का चौथा और आखिरी फैक्ट, फिजी स्पिनर एक तरह का स्ट्रेस रिलीविंग खिलौना है ऐसा पूरा दुनिया मानती है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जो ये साबित कर दे कि इसका कोई ह्यूमंस पे असर होता है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि इनके इन्वेंटर जिसका नाम है कैथरीन हेटिंगर, उनका ये मानना है कि फिजी स्पिनर एक स्ट्रेस रिलीविंग खिलौना है। तो बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चाहें तो हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।